हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम जानेंगे कि आफ्टर इफेक्ट में कैरोसेल स्लाइड शो वीडियो कैसे बनाते हैं, और इसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपोजिशन बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे कैरोसेल स्लाइड शो आफ्टर इफेक्ट। इसका विड्थ रहेगा 1920, हाइट रहेगा 1080, और ड्यूरेशन को 20 सेकेंड ही रखेंगे। अब यहाँ पे शेप लेयर लेने के लिए शेप टूल पे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, और कलर फिल करने के लिए यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लाइनर ग्रेडियंट को लेंगे। अब वाइट वाले नोड को नीचे करते हैं और ब्लैक वाले को ऊपर करेंगे। अब इसको कलर चेंज करने के लिए कलर बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, पहला कलर जो हमारा वाइट ही रहेगा, और दूसरे कलर को हम रखेंगे A3DDF8, और इसको ओके कर देंगे। अब हम एक और कॉम्पोजिशन बना लेते हैं, इसका नाम रखेंगे Image 1। इसका विड्थ रहेगा 900 और हाइट रहेगा 600। ओके करेंगे। अब पहले इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे शेप लेने के लिए डबल क्लिक करेंगे, और फील को हटाने के लिए यहाँ पे फील पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल कलर ले लेंगे जो ग्रेडियंट हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पे W प्रेस करेंगे, पहले इसको लिंक जो इसको अनचेक करेंगे, और इसको रखेंगे 850 और इसको रखेंगे 550, तो ये छोटा हो जाएगा। और राउंडनेस को हम 20 कर देते हैं। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, और ये जो चारों इमेज है इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। पहले वाले इमेज को नीचे लाएंगे यहाँ पे। अब इसको हम अल्फा मैट करेंगे ताकि यहाँ पे शो हो जाए, मैट अप्लाई हो जाए इस पर, और इसको साइज को एडजस्ट करेंगे यहाँ पे ताकि पूरा विजिबल हो। अब इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे व्यू पे ऑन करेंगे, और फील पे आके इसको फील को बंद करेंगे यहाँ पे, और स्ट्रोक जो है स्ट्रोक को ले लेंगे, स्ट्रोक वाइट कलर का ही रहेगा। इसके साइज को हम 4 कर देते हैं। पहले इसको हम चेक करेंगे ताकि बैकग्राउंड ब्लैक से हमारा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे, और इस पर हम लेयर स्टाइल में जाके ड्रॉप शैडो को अप्लाई करेंगे। इसको हम 50 करते हैं, डिस्टेंस को 0 करते हैं। अब इसके साइज को बढ़ाएंगे, हम इसको हम 100 कर लेते हैं, साइज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे सेफ टूल लेंगे, और अल्ट के साथ यहाँ पे एक ध्यान रहे, अल्ट को दबाए रखना है तो अपने आप एक सेफ क्रिएट होगा जो एडिटेबल होगा। अब यहाँ पे स्ट्रोक को बंद करेंगे हम, और फील को ऑन करेंगे यहाँ पे, कलर पैलेट पे क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कलर ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्लस करेंगे नोड को, और इसको एरो बना देंगे। यहाँ पे टाइप टूल लेंगे, और यहाँ पे टाइप करेंगे Text 1। इसके साइज को एडजस्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, ये टेम्पलेट है। इसको अब हम यहाँ पे लाइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप शैडो का ऐड करेंगे यहाँ पे। अब ड्रॉप शैडो के सेटिंग में आएंगे, और इसको हम 50 कर लेते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे, नहीं कॉपी नहीं करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, पहले साइज को कम करते हैं। अब डुप्लीकेट करके इसको नीचे लाएंगे, इसके भी साइज को और कम करते हैं, और ये हमारा Text 2 रहेगा। अब यहाँ पे आएंगे Image 1 पे, और यहाँ से लेयर स्टाइल को कॉपी करेंगे, और इस पर एरो जो बनाया है इस पर पेस्ट करेंगे। अब इसमें थोड़ा एडिट करते हैं, इसके ड्रॉप साइडों में इसको थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, साइज को कम करेंगे, ओपेसिटी को भी कम करते हैं,
तो ये हमारा हो गया एक ठो। मेन कॉम पे आएंगे हम, इसको ध्यान रहे यहाँ पे ही डुप्लीकेट करना है, इसको यहीं से डुप्लीकेट करना है। टाइमलाइन पर लाकर डुप्लीकेट करेंगे तो इसको चेंज करने में दिक्कत होगा। अब फिर तीनों कॉम को 1, 2, 3, 4 को ओपन करेंगे, फिर 2 में आएंगे और इस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे पहले, और यहाँ पे 2 वाले लेयर इमेज को सेलेक्ट करके अल्ट के साथ इस पर ला के छोड़ना है। ध्यान रहे अल्ट को प्रेस करके रखना है तभी ये चेंज होगा। इसको भी उसी प्रकार पहले सेलेक्ट करते हैं इमेज को जिसको चेंज करना है, फिर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ इसको ला के यहाँ पे छोड़ देंगे। इसी प्रकार इसको भी एक बात का ध्यान रहेगा कि जो रिप्लेस करना है वो लेयर सेलेक्ट रहना चाहिए और जिसको लाना है वो अल्ट के साथ ला के ही छोड़ेंगे, तभी जाके रिप्लेस होगा ये। अब यहाँ पे सभी को चारों लेयर को लाएंगे जो कॉम बनाए हम। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, एक नल ऑब्जेक्ट को लेंगे, इसको सेंटर में करेंगे और फिर अब इन नल को और इन चारों कॉम को जो इमेज वाला इसको 3D करेंगे और यहाँ पे व्यू में आएंगे, यहाँ से 2 व्यू लेंगे हॉरिजॉन्टल, और अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे चारों इमेज को और ड्रैग करके साइड में ले जाएंगे। ये हो गया। फिर हम नल ऑब्जेक्ट को रोटेशन को लेंगे, इसको लिंक कराएंगे नल ऑब्जेक्ट से, इसको 90 पे रोटेट करेंगे, फिर इस नीचे वाले को सेलेक्ट करके इस पे लाएंगे और यहाँ पे प्लस 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये प्लस प्लस करते जाना है। तीसरे वाले को भी ऐसे ही लिंक कराएंगे हम। अब प्लस यहाँ पे 90 करेंगे तो 270 हो जाएगा। फिर इसको भी उसी प्रकार हम लिंक कराएंगे, अब प्लस 90 करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका रोटेशन लेंगे और वाई एक्सिस पे अल्ट के साथ की प्रेस करेंगे और इसको लिंक कराएंगे जो वाई एक्सिस था हमारा नल ऑब्जेक्ट का उस पर, और यहाँ पे *-1 लगाएंगे और फिर इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे भी अल्ट के साथ की लगाएंगे और जो कॉपी किए थे इफेक्ट उसको पेस्ट कर देंगे। इस पर भी उसी प्रकार हम वाई एक्सिस पे अल्ट के साथ की लगाएंगे और पेस्ट करेंगे। इसके ऊपर भी यही करेंगे, वाई एक्सिस पे अल्ट के साथ की लगा के और पेस्ट कर देंगे जो फिर कॉपी किए हैं। और बाकी इसका ओरिएंटेशन इसको 0 कर देंगे, जो चेंज हुआ था इसका 180 है इसको भी 0 करेंगे। चारों लेयर के ओरिएंटेशन को 0 करते जाएंगे हम। अब यहाँ पे जो 1x है इसको भी 0 कर देंगे, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, अब ये सही से काम कर रहा है ये। फिर यार राइट क्लिक करेंगे, कैमरा लेंगे हम, कैमरा 35 mm का ही रहेगा ये, तो अब इसको हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं, कैमरे को यहाँ पे लाएंगे। अब हम कैमरे की सेटिंग में आते हैं, कैमरा ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन ही है तो इसके ब्लर लेवल को बढ़ाएंगे ताकि ये थोड़ा ब्लर हो जाए, और अपर्चर को भी बढ़ाएंगे। फोकस डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, इसके पास में लाएंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो जो फ्रंट पर रहेगा वही शो करेगा, बाकी ब्लर हो जाएगा। अपर्चर को और बढ़ाते हैं ताकि और ब्लर हो जाए। अब यहाँ पे हम 2 व्यू को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से इसको फिल कर देते हैं ताकि पूरे स्क्रीन पे दिखे। आप देख रहे हैं ध्यान से पूरा ब्लर दिख रहा है पीछे का। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और वीडियो क्वालिटी में आके VC रिफ्लेक्ट को हम ले लेंगे, ये प्लगिंग आपको हम दे देंगे। अब इसकी सेटिंग में आते हैं, पहले डायरेक्शन को फॉलो अप करेंगे, ब्लर अमाउंट को बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है ये ब्लर अमाउंट। नहीं, ऑफसेट को नहीं छेड़ना है, ओपेसिटी को कम कर लेते हैं थोड़ा सा, 80 कर लेंगे। अब इसको कॉपी करेंगे और बाकी ये तीनों पे जो है 1, 3, 4 पे हम पेस्ट कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ की पे एनिमेशन देंगे, वाई एक्सेस पे हम एनिमेशन देंगे तो यहाँ पे 2 सेकेंड पे आएंगे तो 2 सेकेंड पे हम देंगे तो इसको 90 करेंगे, फिर 2 सेकेंड आगे आएंगे इसको यहीं पर स्टिल रखेंगे, फिर 2 सेकेंड आगे आएंगे अब इसको हम 180 कर देंगे
प्लस 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर 2 सेकंड आगे आएंगे, इसको यहीं पे की लगा देंगे ताकि स्थिर रहे, फिर 2 सेकंड आगे आएंगे, इसको प्लस 9 करेंगे, फिर 2 सेकंड आगे आएंगे, अब फिर से की लगाएंगे, फिर 2 सेकंड आगे आएंगे और यहाँ पे प्लस 90 कर देंगे तो ये 360 हो जाएगा, फिर 2 सेकंड आगे आएंगे और यहाँ पे की लगा के, फिर 2 सेकंड आगे आके यहाँ पे प्लस 9 करेंगे तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा इसका। अब एक एक को एक छोड़ेंगे, एक इसको सेलेक्ट करेंगे, एक एक की को इधर भी है और F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ में आके इसको चेंज करेंगे ताकि हमारा एनिमेशन जो स्मूथ रहे, हल्का सा आगे करेंगे यहाँ पे। अब इसको प्ले करके देखते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।